तो हेलो यार। जी हाँ भाई लोग, डॉक्टर डेविल एपिसोड 34 की स्टार्टिंग में यार हमें दिखाया जाता है वोल्टन उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम कौन हो यार, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिरकार तुम मुझे क्यों मार रही हो। पर वो लड़की साफ साफ वोल्टन को कहती है कि ढक्कन अपना मुंह बंद रखो, शांति से मुझसे फाइट कर, तुम चुपचाप मुझसे बस लड़ाई कर। वोल्टन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, पर लेकिन अभी कभी मेरे घर से निकलो। वो उसे घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर रहा होता है। जामी उसके घर का गेट पकड़ लेती है, उसे बंद नहीं करने देती। वोल्टन कहता है क्या यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर वोल्टन अपने मन में सोचता है यार ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एक सांड की तरह है, ये एक जीती जाती एक सांड है, सांड जो लड़की के रूप में है। फिर वो हमारे वोल्टन के मुंह के ऊपर एक और खिंचा के एक लात मारती है। उसके बाद वो कहती है कि मुझसे बात करने से पहले जरा अपना चेहरा तो देख लो, मैंने तुम्हारी क्या चाह की क्या हालत कर दी है। फिर वोल्टन उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, मेरे पास आपका घंटा भी कुछ नहीं जाता, चलो मुझे मारो। उसके बाद वोल्टन अपने मन में सोचता है इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है, या मैं अपने घर में सो रहा था अच्छा भला, पता नहीं ये मुझे क्यों मारी, क्या मैं इसके बाप का पैसा लेके भाग गया था, किडनी लेके भाग गया। फिर वो लड़की फिर से अपनी लात से यानी अपने घुटने से वोल्टन के मुंह के ऊपर वार करती है। भाई देख सकते हो कितनी भयंकर तरीके से वार करती है। उसके बाद वो रुकती नहीं, वो मारती ही जाती है हमारे वोल्टन को, इस तरह धोरी होती है जैसे वोल्टन इंसान नहीं कोई कपड़ा हो। कपड़ा वोल्टन जमीन पे पड़ा होता है, उसके मुंह से चीखें निकली होती है, अरे मार डाला मरिया मार डाला अरे मैया। उसके बाद वो लड़की कहती है कि अब अपना मुंह बंद रखो नॉनसेंस और जल्दी से खड़े हो, मैंने तुम्हें हरा दिया है, चलो जल्दी से खड़े। वोल्टन खड़ा होता है, वो कहता है रुक तू साली रुक जा, दो में रुक जा, बस मैं अभी तेरे को दिखाता हूँ मुझमें कितना ज्यादा दम है। फिर वो कहती है क्या दम, तुझमें तो बिल्कुल भी दम नहीं लगता। उसके बाद वो वोल्टन पे अटैक करती है, वोल्टन की छाती पे अटैक करती है, उसके निप्पल्स पे, और वोल्टन की हालत हो जाती है खराब। फिर वोल्टन कहता है कि ठीक है चलो आओ जल्दी आओ, अपनी पूरी भड़ास निकालो मुझ पे, मैं यहाँ से भागने वालों में से नहीं हूँ, जल्दी आओ मुझे मारो। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, फिर ऐसा नहीं है। फिर वोल्टन कहता है कि रुकी क्यों, चलो मारो यार, वैसे भी अपनी पूरी भड़ास निकालो मुझ पे, वैसे भी सुबह से उठा हूँ जब से तुम मुझे मारी जा रही हो, मेरा चेन उठा लिया तुमने तो। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे सिर्फ तुमसे इतना ही पूछना है कि मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं, वो अब ठीक है या नहीं, उनकी हालत अब कैसी है, बस मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है। फिर वोल्टन कहता है क्या ग्रैंडपा, अच्छा तो तुम उस बूढ़े आदमी की पोती हो। फिर हमारे वोल्टन साहब उसे सामने सामने धमकी देते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो वैसे भी अब तुम्हारे ग्रैंडपा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं उनका इलाज घंटा भी नहीं करने वाला, तुम्हें मेरी इतनी हालत खराब कर दी कि मैं तो घंटा भी नहीं करूंगा। फिर वो लड़की वोल्टन पे गन रख देती है, वो कहती है तू क्या, तेरा बाप भी मेरे पापा का इलाज करेगा, चल मेरे साथ शांति से मेरे साथ चल। फिर वो वोल्टन को कपड़े पहनाती है, उसे गाड़ी में धक्का दे के बिठाती है, अरे भाई वो वोल्टन है उसे आराम से बिठा दो। उसके बाद वो ले जाने लगती है। फिर वोल्टन वहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि सॉरी ब्रदर मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब किया, पर लेकिन मुझे उस बंदे से मिलना है, ये लो प्लीज तुम मुझे उस बंदे से मिलवा दो। फिर उस बंदे को वोल्टन की चिंता होती है, वो कहती है ड्यूड आखिरकार तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, ऐसी हालत तुम्हारी किसने की। फिर वोल्टन कहता है कि यार प्लीज अब ये सब बंद करो, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, मैं जानता हूँ, प्लीज तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे बस उस बूढ़े आदमी से मिलना है, बस तुम मुझे उस बूढ़े आदमी से मिलाओ। फिर वो बंदा एकदम स्कैरी फेस बना के कहता है कि ब्रदर बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने मारा, कौन मारा। जो वोल्टन को जो वो लड़की लेके आई थी वो कहती है कि मैंने मारा, प्लीज आप मुझे माफ करना। फिर तभी वो बंदा कहता है किसी क्यों आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी। उसके बाद वोल्टन अपनी शर्ट ऊपर करता है, वो कहता है क्या गलती से मुझे मारा, अबे इतना मारा, इतनी पूरी जिंदगी भर की भड़ास कड़ा निकाल ली इस बंदी ने अपनी, बस मैं बच गया, इसने मुझे जान से नहीं मारा। फिर वोल्टन वहां से जाने लगता है, वो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के बीच में आ रहा हूँ, पर लेकिन अब मुझे जाना होगा, वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ का रास्ता बता दिया है, मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम यही खत्म होता है। फिर वो बंदा कहता है हे ड्यूड प्लीज रुक जाओ यार, प्लीज मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दो, ये अभी बच्ची है, प्लीज इसे तुम माफ कर दो। फिर वोल्टन कहता है क्या बेटी, क्या ये तुम्हारी बेटी है, क्या ये तुम्हारी सच में बेटी है, अरे यार पहले बताना था ना। उसके बाद वो बंदा अपनी बेटी के पास आता है, उसके बाद समझो वह आगे क्या करेगा, आता है और जोर से ये ले एक चमाट एकदम खींच के, अरे वाह यार ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, मांगा में बहुत कम देखने को मिलता है, और उस लड़की का चेहरा हो जाता है उतर जाता है यानी खराब हो जाता है, उसका मुंह आधा लाल हो जाता है, उसके बाल बिखर जाते हैं, अरे अरे छोटी बच्ची के बाल बिखर गए। फिर वोल्टन कहता है कि यार प्लीज ये सब करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, मेरे सामने ये सब मत करो, ये नाटक मत बंद करो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है अपने डैड से, डैड ग्रैंडपा की हालत अब कैसी है, वो अब कैसे हैं। फिर उसका फादर कहता है कि वो अब पहले से ठीक हैं, वो अब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बोल तो पाते हैं ना। फिर उस लड़की का फादर कहता है कि बेटा तुम जैसा जिसे देख रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो बिल्कुल भी नहीं है, वो बंदा हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का था, वही था जो तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर सकता था।
मिस चेंग की सिक्योरिटी मिस चेंग के पास आती है। वो कहती है, मिस चेंग ये आप क्या कर रही हैं, आप आखिरकार ये अपना सामान क्यों पैक करी है। फिर मिस चेंग कहती है कि क्योंकि अब मेरा काम यहाँ हो चुका है ख़त्म, मैं अब एकदम फ्री हूँ, क्योंकि अब कंपनी में मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए अब एग्रीमेंट में भी मैंने साइन नहीं किया था, पर फिर भी इस पर साइन था, इसलिए अब मुझे इस कंपनी से निकाल दिया गया, इसलिए मैं वापस अपने घर जा रही हूँ अपनी मोम के पास। चेंग की सेक्रेटरी कहती है कि मिस चेंग क्या जाने कि उसके पास फ़ोन है भी या नहीं, इसलिए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फिर वो अपने मन में सोचती है, मैंने जब से मिस चेंग को वो रिकॉर्डिंग सुनाई है उसके बाद से मिस चेंग एकदम बदल चुकी है। फिर हमें हमारे वोल्टन को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह उठा होता है। वो कहता है आह एक बढ़िया नींद है, चलो कुछ देर बाद। उसके बाद वो कहता है कि उस लड़की ने तो मेरी नींद खराब ही कर दी थी, इतना मारा कि मेरी पूरी 2 दिन की नींद उड़ गई। वोल्टन सामने देखता है, सामने एक अप्सरा जैसी सुंदर सुंदर लड़की होती है। वो उसे देख के कहता है सुंदर, अति सुंदर, क्या बात है, ये तो क्वीन ऑफ ब्यूटी है, ये तो मेरे एकदम लायक एकदम परफेक्ट है, काश ये मेरी होती, काश ये मेरी होती, पर ये है कौन। और फिर उस लड़की के पास उसकी छोटी बहन भी आती है, आय हाय ये भी बहुत ज्यादा क्यूट प्रिटी प्रिटी है। और वोल्टन उसे देख के एकदम हक्का बक्का हो जाता है। वो कहता है क्या, अरे वाह, इसके पास इसकी एक छोटी बहन भी है, आय हाय हाय, स्वर्ग मुझे मिल गया, मुझे तो स्वर्ग मिल गया, क्या बात है। फिर वो लड़की वोल्टन को नोटिस करती है, वो कहती है लगता है कोई हमें देख रहा है। उसके बाद वो सामने देखती है तो सामने वोल्टन होता है। वोल्टन को देख के कहती है अरे ये ठरकी फिर से हम पे नजरें डाल रहा है। वो अपनी बहन को बुलाती है, उसके कान में कुछ कहती है। उसके बाद वो लोग वोल्टन को देख के स्माइल करते हैं, इसका मतलब है इनका कोई गंदा ही कोई खतरनाक कोई शातिर इरादा है। फिर वो लोग अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वोल्टन ये चीज़ देख के हैरान होता है, वो तो इन्होंने सिर्फ अंदर बिकनी पहन रखी है, अरे तुम लोग बाथरूम में जाओ, यहाँ मत आओ। और वो कहता है कि क्या ये लोग सच में मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये लोग मेरे साथ सच में क्या मजाक कर रहे हैं। फिर वो लड़की यानी उसकी छोटी बहन अपनी दोनों मिडिल फिंगर्स दिखाती है, वो कहती है ये बस एक मजाक था, ये तो बस एक मजाक था। फिर वार्डन को आता गुस्सा, वो कहता अच्छा तो ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे, इनकी माँ का। उसके बाद वो इसका चिल्लाने के बाद एकदम बौखला जाता है, एकदम पागल हो जाता है, उसका चेहरा देख के आप पता लगा सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।